हमारे उत्तराखंडी समाज में वैदिक रीति से जो परंपरागत तरीके से विवाह होते हैं उनमें अभी भी वैदिक कालीन विधियों का पालन किया जाता है। तो आज परंपरागत तरीके से कुमाऊनी विवाह का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बने रहिए पूरे वीडियो में। तो कुमाऊनी परंपरागत तरीके से विवाह का नियम कायदा तो यह है कि बारात गोधूली बेला सूर्यास्त से पहले कन्या पक्ष के दरवाजे पर पहुंच जानी चाहिए। उस वक्त सूर्य भगवान को जल का अर्घ दिया जाता है क्योंकि सारी सृष्टि सूर्य के प्रताप से चलायमान होती है। तो परंपराओं के आधार पर आज भी वर पक्ष वाले कन्या के द्वार पर बारात गोधूली बेला में ले ही आते हैं। तो हमारे द्वारे पे भी बारात आ चुकी है। तो जो ये आप नीचे बिछा हुआ लोक कला अर्पण देख रहे होंगे इसे कहते हैं धूलियर्घ चौकी। इस समारोह का नाम ही धूलियर्घ है। यह एक तरह का परिचय प्लस स्वागत करने का विधिवत वैदिक परिपाटी है जिसमें कि कन्या के पिता वर के पद प्रक्षालन पूजन करते हैं और पुरोहित आचार्य का पूजन करते हैं। वर को उपहार कपड़ा घड़ी जूता अटैची और सोने की अंगूठी प्रदान करते हैं। साथ ही पुरोहित को भी इसी तरह उपहार व अंगूठी से नवाजा जाता है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे कहते हैं धूलियर्घ।
और अब हो रही है कन्यादान की तैयारी, जिसमें कि दुल्हन की माँ अपनी कन्या को आंचल से ढककर मंडप पे लेके आती है। आए क्यों हमने मारे सीधे साधे।
गोत्राचार, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है, इसमें दोनों पक्षों के पुरोहित संस्कृत में श्लोकों द्वारा एक दूसरे का परिचय पूछते हैं। यद्यपि सबको ये पहले से ही मालूम होता है, वर का नाम, वर के पिता का नाम, किस गोत्र से है, किस प्रवर के किस शाखा से है, किस वेद का अध्यायी है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न। और दूसरे पक्ष का पुरोहित जो होता है वो उसी तरह उत्तर देकर समाधान करता है। वेदाध्यायी पूछे जाने पर ब्राह्मण को यजुर्वेदाध्यायी बताया जाता है, चाहे वर ने वेद को कभी नहीं देखा हो, पर परंपरा चली आ रही है। कन्या पक्ष के पुरोहित भी इसी तरह श्लोकों के कुल गोत्रादि का परिचय देते हैं, तत्पश्चात ही कन्यादान किया जाता है। अरे वाह, ये भी है, समीरो पीते ही नहीं है पीते ही नहीं है लेकिन पीते ही नहीं है खाते ही खाते बस पीते नहीं है बोल बस बोल कुमाऊनी शादी में कन्यादान के समय की एक रस्म है अंगूठा पकड़ना या अंगूठा पकड़ाई, इसे हस्तमिलाप भी कहते हैं। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहते हैं। ये भी कन्यादान के समय ही रस्म होती है, जिसमें कुछ समय तक कन्या और वर एक दूसरे का अंगूठा पकड़े रहते हैं और पंडित जी द्वारा कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। दादी रानी सीचे भर गड़ुआ, भर गड़ुआ।
तो यहाँ पे गड़वे की धार की रस्म चल रही है, इसे गड़वे की धार की रस्म बोलते हैं। आम भाषा में हम इसे कन्यादान का संकल्प भी कह सकते हैं। गड़वे की धार कुमाऊनी भाषा में क्यों बोलते हैं, देखिए जिस बर्तन से हम जल डाल रहे हैं ये जो बर्तन है इसकी बनावट के आधार पर इसे गड़वा बोला जाता है। और जब भी कोई संकल्प हम लोग लेते हैं तो हमारे हाथ में जल का होना ज़रूरी है। देखिए इससे एकदम बिल्कुल बिना धार टूटे हुए जल निकल रहा है। कन्या की मम्मी, चाची, नानी, दादी, ताई जी सब लोग धार दे रहे हैं और नीचे पिताजी का हाथ है जिससे कि वो कन्यादान का संकल्प ले रहे हैं और माताएं सब धार दे रही हैं। तो इसलिए इस कन्यादान के इस संकल्प को गड़वे की धार बोलते हैं। और जब तक का पूरे मंत्रोच्चारण पूरे नहीं हो जाते हैं तो ये धार बिना रुके इस तरीके से संकल्प के साथ चलती रहती है। हम पे है कुछ की डाली, हम पे है।